मॉर्निंग हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम संस्कृति गुरुकुलम स्कूल हावर स्टूडेंट। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आई एम टीचिंग यू ईवीएस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप चैप्टर 5 कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये चैप्टर 5 आपके ईवीएस के साइंस पोर्शन का चैप्टर 5 है, जिसका नेम है कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, इसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर पहले आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, फिर आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट आपका, व्हाट आर जर्म्स? तो जर्म्स क्या हैं? आंसर वन है, डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। दे आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। जिस वो माइक्रोब्स जिससे डिसीजेस होते हैं वो जर्म्स कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ओके, तो आंसर वन आपका क्या हो गया, डिसीजेस कॉजिंग जर्म माइक्रोब्स आर कॉल्ड जर्म्स। दे आर बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ एंड फंगी। ओके, क्वेश्चन टू है, व्हाट इज कम्युनिकेबल डिसीजेस? कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या है? तो आंसर टू है, डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय जर्म्स एंड ईजली पास ऑन फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्थी वंस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। वो डिसीजेज जर्म्स से होते हैं और जो ईजली पास हो जाते हैं बीमार पर्सन से किसी हेल्थी पर्सन में, वो कम्युनिकेबल डिसीजेस कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज द स्प्रेड ऑफ क्लोरिया डिफर फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा? जो क्लोरिया और इन्फ्लुएंजा में क्या डिफर है, कैसे डिफर है? ओके, तो आंसर थ्री है, क्लोरिया स्प्रेड बाय बैक्टीरिया। जो क्लोरिया है वो बैक्टीरिया से फैलता है, प्रेजेंट इन फूड एंड वाटर। ओके, वाइल इन्फ्लुएंजा इज स्प्रेड बाय वायरस, ये वायरस से होता है। दिस वायरस स्प्रेड व्हेन पीपल विथ फ्लू, कफ, स्नीज और टॉक सेंडिंग ड्रॉपलेट्स विद द वायरस इनटू द एयर। ओके, क्वेश्चन फोर्थ है आपका, व्हाट इज इम्यूनिटी एंड हाउ इट इज एक्वायर्ड? तो इम्यूनिटी क्या है? तो आंसर फोर है, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट टू बी अफेक्टेड बाय डिसीजेस। इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय इन्फेक्शंस और इन वैक्सीनेशंस। ओके, तो इम्यूनिटी वो है जो हमें डिजीज होने से बचाता है। ओके, तो आंसर फोर क्या हो गया आपका, इम्यूनिटी इज द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट टू बी अफेक्टेड बाय डिसीजेस। इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड बाय इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 के कम्युनिकेबल डिसीजेस के। आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, अब अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।